नंबर 7, कभी जो जीता वही सिकंदर से लोगों के दिलों को धड़काने वाली पूजा बेदी। मिस बेदी के साथ जो हुआ वो काफी दर्दनाक था। मैडम बेदी ने बड़े अरमानों के साथ एक रियलिटी शो में कदम रखा था, मगर उनको लगा कि उनके कदमों से ज्यादा दम व दमदार दबंग सल्लू पाजी का चल रहा है। सल्लू पाजी थे शो के होस्ट और उस रियलिटी शो की एक और कंटेस्टेंट के दोस्त। ऐसा हारा नहीं, पूजा मैडम का मानना था भैया कोई किसी का भी दोस्त हो, अपने को क्या है। ऐसी फिलॉसफी रखने के बजाय पूजा आंटी ने अपनी लंबी लंबी चांगे अड़ा दी इस मामले में, और ऐसी टंगड़ी अड़ाने वालों के साथ नॉर्मली जो होता है वो हो गया पूजा मैडम के साथ। जैसे ही मैडम जी शो के बाहर आई, उन्होंने दबा के सल्लू पाजी की बुराई करनी शुरू की, और भैया पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर और इंडस्ट्री में रहकर सल्लू पाजी से बैर रखने का क्या नतीजा निकलता है, ये कोई विवेक ओबेरॉय से पूछे। बस ये होना क्या था, मैडम बेदी को उनके ही शो के फिनाले से होना पड़ गया तड़ी पार, और विश कन्या नाम की मूवी से डेब्यू करने वाली पूजा बेदी विश ही करती रह गई कि कोई उन्हें भी उनके शो की पार्टी का इनवाइट भेज दे। और इस तरह बन गई हमारे शो में नंबर 7 अन इनवाइटेड गेस्ट।